तो वापस आ चुका हूं गाइस एक ऑल व्हाइट पीसी बिल्ड लेकर के, एंड इस पीसी बिल्ड की जो प्राइसिंग है वो है 1.75 लाख, 1,75,000 रुपए में हम लोगों ने ये पीसी यहां पर बनाया है। सभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, वीडियो एंड तक देखते रहना। ऑर्डर करा है हमारे सुहेब जी ने, जो कि हैं चेन्नई से, तो वहां पर हम लोग इस पीसी को शिप करेंगे। बाकी गाइस ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवर करते हैं, और कांटेक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल ही रहे होंगे। आप इनके ऊपर कॉल व्हाट्सएप करके हमको रीच आउट कर सकते हो। बाकी हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, modexcomputers.com हमारी वेबसाइट है। वहां पर जाके अपने हिसाब से कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करके डायरेक्टली वहां से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर आपको नेहरू प्लेस के अंदर आपको हमारा ऑफलाइन स्टोर देखने को मिल जाएगा। 809 8th फ्लोर भंडारी हाउस बिल्डिंग हमारा एड्रेस है, यहाँ पर आके भी आप जो है अपने पीसी बिल्ड करा सकते हो। एड्रेस गूगल ऑप्शन लिंक, सारी डिटेल्स मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब फटाफट से बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे प्रोसेसर के बारे में। इंटेल के लेटेस्ट 14th जनरेशन के ऊपर बेस्ड कोर i9 14900K के प्रोसेसर का गाइस हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है, जो कि 24 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स के साथ में यहाँ पर आता है। काफी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको ओवरऑल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 8 परफॉर्मेंस कोर, 16 एफिशिएंसी कोर्स आपको इस सीपीयू के साथ में मिल जाते हैं। और बाकी जैसे कि 1.75 लाख का है, तो मेन प्रायोरिटी जो है यहाँ पर सीपीयू के ऊपर ज्यादा रखी गई है। कुछ भी ऐसा काम जिसमें कि आपको सीपीयू परफॉर्मेंस जो है काफी तगड़ी चाहिए हो, तो उस हिसाब से पीसी बिल्ड यहाँ पर बनाया गया है। बाकी बात करें यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के बारे में, तो मदरबोर्ड गाइस यहाँ पर पेयर करा गया है ASUS की तरफ से उनका Z790P वाईफाई मदरबोर्ड, जो कि Z790 लाइनअप के अंदर आया था। ASUS की तरफ से काफी अच्छा बोर्ड है। प्लस अगर आपको व्हाइट थीम पीसी बिल्ड करना हो, तो इनकी जो प्राइम सीरीज रहती है वो इस काम के लिए काफी एकदम परफेक्ट रहती है, क्योंकि सिल्वरिश एंड व्हाइटिश कलर के आपको जो हीट सिंक यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करते हैं इस लिक्विड कूलर के बारे में, तो जो हमारा 14900 की है उसके साथ में जो लिक्विड कूलर हम लोगों ने यहाँ पर पेयर करा है वो काफी शानदार। यहाँ पर MSI की तरफ से उनका कोर लिक्विड E360 व्हाइट को हम लोगों ने जो यहाँ पर पेयर करा है, जो कि एकदम परफेक्ट रहेगा इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। बहुत ज्यादा गाइस सुंदर भी लगता है लिक्विड कूलर यहाँ पर देखने में, एंड 360 का रेडिएटर है जो कि टेम्परेचर्स को भी काफी बढ़िया तरीके से मेंटेन कर लेगा। रैम के बारे में बात करते गाइस, तो टोटल यहाँ पर 16 GB की दो स्टिक्स का यूज करा गया है, जो कि आती है T4 की तरफ से Delta RGB DDR5 16x2 6000 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है। व्हाइट कलर की रैम स्टिक्स है, परफेक्ट रहेगी चाहे गेमिंग करनी हो, स्ट्रीमिंग करनी हो, या फिर एडिटिंग करनी हो। बात करते हैं गाइस यहां पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, तो गाइस व्हाइट थीम पीसी बिल्ड है, तो व्हाइट कलर का ग्राफिक्स कार्ड यहां पर यूज करा है। एंड जब व्हाइट कलर के ग्राफिक्स कार्ड्स के बारे में बात आती है, तो भाई आई गेम जो सीरीज रहती है कलरफुल की, वो गाइस मेरे यहां पर जो है फेवरेट है। बहुत ज्यादा प्यारा लगता है ग्राफिक्स कार्ड, तो हम लोगों ने यहां पर यूज करा है कलरफुल की तरफ से उनका आई गेम RTX 4070 अल्ट्रा वाइट OC वाला वर्जन, ट्रिपल फैन ग्राफिक्स कार्ड। बहुत ज्यादा सुंदर लगता है यहां पर देखने में। एक बार मैं आपको जो है पास से यहां पर इसका लुक दिखाता हूं गाइस। फुल साइज आपको यहां पर जो है बैक प्लेट देखने को मिल जाती है, एंड एकदम मैसिव लग रहा है भाई साइज में। लगता है कि भाई हाँ काफी तगड़ा ग्राफिक्स कार्ड है। प्लस जो हीट सिंक रहती है इस कार्ड के ऊपर और जो इसके टेम्परेचर्स हैं वो भी यार काफी अच्छे रहते हैं। तो आप अगर आप व्हाइट थीम पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप कलरफुल की जो आई गेम सीरीज रहती है व्हाइट की, आप ये जो पूरा लाइनअप है इनका, वो उसको चेकआउट कर सकते हो। स्टोरेज के बारे में बात करते गए, तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज करी XPG की तरफ से उनकी S60, जो कि 1TB की Gen4 M.2 NVMe SSD, इसके अंदर विंडोज चलने के बाद भी अच्छी खासी स्टोरेज हमें देखने को मिल जाएगी। बात करते गए इस पावर सप्लाई के बारे में, हम लोग यहाँ पर पेयर करिए MSI की तरफ से उनकी A750GL, जो कि ATX 3.0 पावर सप्लाई है, परफेक्ट रहेगी हमारे पीसी बिल्ड के हिसाब से, 80 प्लस गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ में यहां पर आ जाती है। फाइनली गाइस बात करते हैं यहां पर हमारी कैबिनेट के बारे में, एक बहुत ही ज्यादा प्यारी कैबिनेट एंटेक की तरफ से उनकी C3 ARGB कैबिनेट का हम लोगों ने यहां पर यूज करा है। प्री इंस्टॉल 4 ARGB फैंस मिल जाते हैं, 3 आपको साइड में इंटेक के लिए मिल जाते हैं, 1 रियर में एग्जॉस्ट के लिए मिल जाता है। लुक आप लोग देख सकते हो गाइज, ओवरऑल पूरी कैबिनेट का बहुत ज्यादा सुंदर यहाँ पर निकल करके आता है। और इस कैबिनेट में काफी बढ़िया एंड शानदार बात यह भी है कि टॉप पे आप 360 के रेडिएटर को माउंट कर सकते हो, प्लस यहाँ पर आपको नीचे एक ARGB स्ट्रिप मिल जाती है, जो कि आपके वही मदरबोर्ड के थ्रू पूरी सिंक होकर चलती, काफी सुंदर काफी प्यारी लगती है, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बस गाइस यही था पूरा 1.75 लाख रुपीज का पीसी बिल्ड। आपको पीसी बिल्ड कराना है तो सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप हमको चेकआउट कर सकते हो। बाकी गाइस मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।